सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए डेली ब्लॉग बंद कर दूँ। गाइस ये देखिए सांप, ये जो है ना ये केबल है और ये मैंने हेलो गाइस गुड मॉर्निंग व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय चैनल और एक नया ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत करते हैं। आज है वेडनेसडे, कल मेरा वाइफ काम नहीं की थी तो उसने छुट्टी ले लिया था क्योंकि कल भी थोड़ा सा तबीयत ख़राब था इसके लिए, और बच्चे लोग चले गए स्कूल। आज थोड़ा मैं लेट से उठा क्योंकि कल सोते सोते करीबन मैंने हो गया था 12:30 बज गया था। क्यों हो गया था, क्योंकि सो गया था पहले 10:30-11 बजे सो गए थे, 10:30 बजे सो गए थे, लेकिन क्या हुआ बाद में याद आया कि गाड़ी चार्ज में डालना भूल गया। फिर एक घंटा बाद उठ के जाके गाड़ी का चार्ज खोल के आया, नीचे जाके फिर आके सोया ना तो नींद ही नहीं आ रहा था। फिर एक घंटा वहाँ पे गुजर गया तो करीबन सोते सोते 12:30 बज गया था, तो इसके लिए उठते उठते मेरे को करीबन 7 बज गया। और उस टाइम मैं जब उठा ना तो बच्चे लोग निकल गए स्कूल के लिए। आगे देखते हैं क्या क्या करते हैं, आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में, ठीक है। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि मेरा नया ब्लॉग आए आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये चलते हैं चाय वाय पीते हैं, ठीक है। और कल उपवास था तो मैंने रात को सिर्फ खिचड़ी खाया, और आज थोड़ा सा खाना पड़ेगा ताकि मेरा शरीर में थोड़ा सा जान आए। चलिए नीचे चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और ऑफिस के लिए निकलते हैं। गाइस ये देखिए सांप कितना स्पीड से जा रहे हैं, ये बहुत दूर है, घुस गया, अभी भी दिख रहा है पूछ, घुस गया। देखिए कितना दूर से, यार इसका कैमरा अच्छा है, इतना दूर से दिखा रहा है, एकदम साफ दिख रहा है, इतना बड़ा दिख रहा है, सांप भी बहुत बड़ा है। हाँ A few moments later. So ये जो adapter है ना, ये adapter उन लोगों ने क्या किया, Amazon वाले ने दोबारा रिप्लेस कर दिया है। और ये वाला जो टाइप सी है ना, ये देख रहा हूँ अंदर जा रहा है, मेरे कैमरे के टाइप सी पोर्ट में जा रहा है, मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि ये बहुत हार्ड है, टाइट है, घुसता है तो बहुत मतलब अटक जाता है, तो इसके लिए मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है। तो कल ये भी रिटर्न लेके जाएगा, तो आज एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ इससे कि मोटो ब्लॉक इससे हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये जो है ना ये केबल है, और ये मैंने एक हेडफोन था मेरा पूरा ना, तो ये हेडफोन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे माउंट कर दिया है, ये देखिए पैड के अंदर डाल दिया है, तो कोशिश करेंगे, देखते हैं आज एक बार ट्राई करते हैं, आज देखते हैं ऑफिस जाते जाते एक बार मोटो ब्लॉक करते हुए जाएंगे। अभी नहा के आते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करके फिर निकलते हैं, ठीक है। ऑलरेडी 8:10 बज गया है तो चलिए। सो गाइस अभी निकलते हैं, देखते हैं आज होता है नहीं होता है, कौन से साइड से जाना होगा, कितना पानी है गाइस देखिए, एडाप्टर लगाया है नया, बाप रे यहाँ पे एक पैर समान पानी था, अभी तो कम हो गया, 2 दिन के बारिश हुआ था तो उसमें, ये जगह पे हर टाइम पे पानी ही रहता है। और गाइस अभी एडाप्टर लगा दिया, पता नहीं साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है, आप लोगों को सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है, लगा तो दिया है, देखते हैं। अभी बज रहे 8:49, तो इस साइड से ही निकलते हैं, आज भी इस साइड से ही निकलेंगे क्योंकि उस साइड में बहुत ट्रैफिक होता है, ये साइड से भी जा सकते हैं लेकिन उस साइड में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, आज दौड़ाना पड़ेगा गाड़ी क्योंकि टेस्ट भी करना है ना, ऑडियो आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। उस दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि डेली ब्लॉग बंद कर दूँ क्योंकि डेली ब्लॉग के लिए ना बहुत मेहनत करने पड़ रही है मेरे को, क्या है सुबह उठो फिर उसके बाद बच्चे लोगों को तैयार करके और स्कूल भेजो, फिर खुद तैयार हो, फिर ऑफिस जाओ, और बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो गया गाइस, मतलब कुछ कंटेंट बनाने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है, कहीं पे घूमने जाना या कोई दूसरा कुछ काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो उसके वजह से ना बहुत मेरे को मतलब डीमोटिवेट हो रहा हूँ, मतलब सोच रहा हूँ कि ब्लॉग बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, मज़ा नहीं आ रहा है। मतलब क्या है डेली आपको नॉर्मल लाइफ अगर ही लाइफ ही दिखाना है ना, तो उसमें
कुछ नया नहीं बचता है, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसके वजह से ना और ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहा हूँ। अगर कुछ अच्छा हो जाता ना, लाइक मतलब कहीं पे घूमने जाना भी नहीं हो पा रहा है, कहीं पे घूमने जा नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि देखिए, जब बच्चे लोगों का स्कूल छुट्टी था देर में ना, तब कहीं पे घूमने नहीं गया, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके कहीं पे घूमने जाना ही नहीं हुआ। और अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो अभी भी क्या है, अभी बच्चे लोगों का स्कूल चालू हो गया तो उसमें तो ज़्यादा कहीं पे जा नहीं पाएंगे, सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, और मेरे ऑफिस में ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलता है यार गाइस, तो छुट्टी ज़्यादा नहीं मिलेगा तो फिर कैसे कहीं पे जाएंगे, सोच भी नहीं सकते। और आजू बाजू में उदयपुर हम लोग घूम चुके हैं, माउंट आबू हम लोग घूम चुके हैं, कहाँ पे जाएं समझ में नहीं आ रहा है। और जाने के लिए भी ना मतलब टाइम एकदम भी नहीं है, टाइम का बहुत ही कमी है। जाने के लिए भी बैठ के होटल देखो, ट्रेन देखो, या अपने कार से जाओ, कोई कुछ तो प्लानिंग बनाना पड़ता है ना जाने के लिए, उतना टाइम ही नहीं है बैठ के जो प्लानिंग बनाऊँ। एक बार प्लानिंग बनाता हूँ तो वो कैंसिल हो जाता है, फिर मेरे को एक 10-15 दिन लगता है, फिर वो और एक प्लानिंग बनाता हूँ फिर कैंसिल हो जाता है। मतलब अभी मेरे को ना बहुत इरिटेटिंग सा लग रहा है लाइफ, मतलब कुछ बचा ही नहीं, लग रहा है कि सिर्फ काम ही करते जा रहा हूँ, कहीं पर घूमने नहीं जा पा रहा हूँ, बहुत दिन हो गया घूमने नहीं जा पाया। लास्ट निकले थे शायद दिसंबर में निकले थे शायद, और ऊपर से काम का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो गया है अभी, हाँ बहुत प्रेशर हो गया है, तो काम करते करते भी थक जाता हूँ, फिर ऑफिस से घर जाता हूँ, घर पे जाके के बच्चे लोगों को पढ़ाने के लिए बैठाना पड़ रहा है, और वहाँ पे टाइम नहीं मिल रहा है, घर पे जाके कहीं पे घर से निकलूँ वो भी नहीं हो पा रही है। एटलीस्ट शाम को अगर जाके कहीं पे निकलते हैं ना तो वो अच्छा लगता है, मन भी खुश होता है और थोड़ा सा कंटेंट भी मिल जाता है, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। मेरे को डेली ब्लॉग डालने के लिए भी मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब पहले क्या इंटरेस्टिंग लगता था, मैं पसंद करता था, मतलब वो काम करने के लिए ब्लॉग डालने के लिए पसंद करता था, उस एक्साइटमेंट हो रहा था, समझ लो कहीं पे घूमने जाना या मूवी देखना, बीच में तो वो भी हो रहा था, वो भी बंद हो गया सब कुछ, ठीक है, अभी सिर्फ घर। सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए डेली ब्लॉग बंद कर दूँ, ताकि मतलब डेली ब्लॉग बंद कर दूंगा, लेकिन क्या है जो मेन काम होगा ना वो सब दिखाऊंगा, मतलब जैसे कि कहीं पे घूमने जाना या मूवी देखने जाना, वो सब ब्लॉग दिखाऊंगा। डेली ब्लॉग में कोई इंटरेस्टिंग सा नहीं लग रहा है, हाँ लाइव में कोई इंटरेस्टिंग होगा डेली तो ज़रूर दिखाएंगे, अदरवाइज़ डेली ब्लॉग में कोई मज़ा नहीं आ रहा है, तो देखते हैं यार। मतलब 2-3 दिनों से मेरे को फील आ रहा है ऐसा, और मैं ना अभी एडिटिंग भी सीख रहा हूँ, मतलब क्या है एडिटिंग थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें भी ध्यान दे रहा हूँ एडिटिंग में, तो अगर डेली मैं ब्लॉग बनाऊँगा ना तो एडिटिंग में मैं उतना ध्यान नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे को फटाफट एडिट करना है, टाइम भी बहुत कम रहता है समझो। उसमें मैं बहुत कुछ सीखा है, ऐसा नहीं कि डेली ब्लॉग में मैंने कुछ सीखा नहीं है, बहुत कुछ सीखा है डेली ब्लॉग में, एडिटिंग भी सीखा है, शूट कैसे करना पड़ता है वो भी सीखा है, और समझ लो पहले कैमरा शाई था वो सब निकल गया है, ठीक है, कहीं पे जाके वीडियो कैसे करें वो सब ध्यान में आ गया है। डेली व्लॉग करने का करूँगा, ऐसा नहीं कि बंद कर दूँगा, करूँगा डेली व्लॉग, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल थोड़ा सा फैमिली को पहले सेटअप करना पड़ेगा अच्छे से, तो सेटअप करने के बाद फिर उसके बाद मैं करूँगा। समझो मैं कैमरा लेके बैठ गया 24 घंटा, ठीक है, डेली ब्लॉग बना रहा हूँ, और यहाँ पे बच्चे लोगों का, क्योंकि मेरा वाइफ भी काम करती है ना, तो उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकते, वो खाना बनाती है, काम करती है, ठीक है, अगर बच्चे लोगों को लेके थोड़ा सा पढ़ाई के लिए नहीं बैठाएंगे ना तो अभी उन लोगों का फ्यूचर बहुत ख़राब होने वाला है, ख़राब हो जाएगा, तो इसके लिए मेरा थोड़ा सा फैमिली को भी ध्यान देना पड़ेगा। उस साइड से जाएंगे तो डैम सी, और ट्रैफिक में फंसना ही था, तो मैंने इसलिए रॉन्ग साइड ले लिया ताकि फंसू ना, और बज रहा है घड़ी पे 9, थोड़ा सा जल्दी निकल जाता हूँ अभी, क्योंकि बारिश का सीज़न है, कभी भी बारिश गिर जाएगी और फंस जाएंगे रास्ते में ट्रैफिक, तो इसके लिए थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं हाथ में टाइम लेके। अभी तो राइट साइड में ही आना पड़ा क्योंकि यहीं से सीधा जाना पड़ेगा, शायद से डीमोटिवेट होने का कारण भी हो सकता है, मैं शायद ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, देखो
ऐसा नहीं है कि वीडियो मेरे को नहीं बनाना है, वीडियो तो बनाएंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ, अभी तक डिसीजन नहीं लिया ये बात कि मैं डेली व्लॉग बंद करने वाला हूँ, अभी तक मैं सोच रहा हूँ। आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट उठाया कि ये प्रॉब्लम मेरे को हो रहा है, ठीक है, और बाकी तो अभी तक ऐसा नहीं है कि मैं बंद ही कर दूंगा, आगे जाके देखूंगा और एक दो दिन टाइम ले लूंगा, ये हफ्ता टाइम ले लूंगा, फिर उसके बाद डिसीजन लूंगा कि मैं डेली ब्लॉग करने वाला हूँ या नहीं करने वाला हूँ। पता नहीं यार, इतना बक 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 किया, एक भी ऑडियो आया है नहीं आया है। ये अडाप्टर मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ये देखिए और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल और एक वो है, ये कौन सा कंपनी का है, IQ करके है, देखो लंबा ट्रैफिक, और इधर से निकालना पड़ेगा, साइड से निकलो। ये बाइक होने का यही प्रॉफिट है कि कार वाले देखो एक साइड से निकल रहा है, बाइक वाले एक साइड से निकल जा रहा है, साइड से कार में लेके नहीं, इसीलिए नहीं आता हूँ ऑफिस कि ये रास्ते में बहुत ट्रैफिक होता है, मतलब ट्रैफिक का कोई कमती नहीं रहेगा ये, और बारिश के सीज़न में तो भर भर के ट्रैफिक होता है, और बाइक लेके आता हूँ तो ये साइड से निकल जाता हूँ, और बाइक लेके आता हूँ तो इसलिए ट्रैफिक में 40-50 मिनट लग जाता है, कार लेके आऊँगा तो करीबन 1.5 घंटा लग जाएगा, तो उसके वजह से नो कार, कभी कभार लेके आता हूँ। देखो कहीं से भी घुसा देता है ये लोग, ये बड़े बड़े गाड़ी के लिए ट्रैफिक ज़्यादा होता है। ये ऐसा सिचुएशन हो गया है मेरा घर का कि अगर मैं सपोर्ट नहीं दूंगा तो घर का काम थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, घर में संभालना, घर संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो इसके वजह से। और फिर उसके बाद अगर वो सब काम करने के बाद, वो भी किया मैंने कुछ दिनों तक कि घर का काम भी संभाला, वीडियो भी किया, एडिटिंग भी किया, उसमें क्या हो रहा है ना, मैं वीडियो में ना एडिट कर पा रहा हूँ ठीक से, ना एडिटिंग में ध्यान दे पा रहा हूँ ठीक से, और ना ही घर का काम ठीक से कर पा रहा हूँ, तो उसमें हर चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। आज अडाप्टर ले लिया, पता है अडाप्टर, ये वाला अडाप्टर हो रहा है, इससे हो रहा है, ऑडियो तो रिकॉर्ड हो रहा है, अभी पता नहीं, देखते हैं, इसमें देखना पड़ेगा आज कैसा ऑडियो रिकॉर्ड हुआ, देखते हैं। अभी ऑफिस पहुंच गए हैं और मिलते हैं आप लोगों से बाद में, ठीक है।